तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहा जाता है कि टीवी में यार पैसा बहुत है, कितना पैसा है टीवी में? पैसा बहुत है ऐसा नहीं, या फिल्म में नहीं है पैसा? नहीं फिल्म में है, बट ऐसा बता रहा हूँ 22 दिन एक्चुअली आपका शॉर्ट हो जाता है कि 22 दिन अगर काम मिल रही है चीजें तो उतना तो है। अगर फिल्म आपको मिलती है तो क्या मिल्ती है कि फिल्म अगर साल भर में या हाँ, तीन साल में एक फिल्म मिलती है, कि आपको कोई जानता नहीं है और एक होता है कि आप मौन हो गए, आपको पहचान, घर तो चलता है सर, टीवी से घर तो चल रहा है सर लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। कितना पैसा है सर टीवी में, क्या लगता है आपको नॉर्मली, मतलब कितना मिलता है लोगों को, मतलब पर डे? वो डिपेंड करता है। देखो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने भी शुरू, आप 2000 पर डे वाले भी एक्टर है, 5000 वाले भी है, 50000 वाले भी है, 1,00,000 पर डे वाले भी है। अगर आपका शो हिट है, आप 15 साल से मान लो तारक मेहता चल रहा है तो उसके जो आर्टिस्टों का होगा शायद बजट ज्यादा होगा, लेकिन अगर टिपिकल आज एक कोई नया शो आया है जिसमें थिएटर के एकदम से नए चेहरे सारे रख लिए तो उनका शुरुआत तो वहीं से ही होगी। तो डिपेंड करता कि आप में कितना पेशेंस है और आप कितना, अगर आप एक बंधु हुआ दूसरा मिल गया, दूसरा बंधु हुआ तीसरा, तुरंत आपको मिलते गए और आपका नाम भी होता गया तो हर साल आपका थोड़ा थोड़ा बढ़, तो फिर है पैसा, ऐसी बात नहीं है कि। और ये जो पेमेंट टर्म जो होता है सर कि 60 दिन में पैसा मिलना है, आपको क्या लगता है ये 60 दिन है, कहीं कहीं 45 दिन, 90 दिन, आपको क्या लगता है रेंट कैसे मैनेज होता है यार? क्योंकि यहाँ पे मतलब बॉम्बे में वैसे बहुत एक्सपेंसिव शहर है, राइट? और कैसे, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है, होता है जैसे हम लोग शुरू में आए थे तो 4-4, 5-5 लोग इकट्ठा रहे, थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया तो 3-3, 4-4 लोग, फिर 2-2 लोग के चलो 2 पार्टनर हो गए, धीरे धीरे मिलता जाएगा तो फिर आप अकेले भी रह सकते हो, फिर घर खरीद लेते हो। तो हम लोग तो धीरे धीरे वाले प्रोसेस में रहे। कितने टाइम में आपने घर खरीद लिया फिर? मेरा तो ये है कि 2014 FIR करने के 2-3 साल बाद मैंने पहला घर लिया था 1BHK अपना मीरा रोड में, पहला घर मेरा 14 या 15 के बीच में हुआ। 14-15 नाइस। कितने घर ले चुके हैं? फिर घर होते जा रहे हैं। इसका किस्सा भी है कमाल का, हमारे शो में भी एक दोस्त था। क्या हुआ कि मैं जब पहली बार रेलवे के एग्जाम के बहाने मुंबई फिल्म लाइन का पता करने आया, हम 4 दोस्त 4 रात में रेलवे स्टेशन में सोए, तो मैंने ऐसी मजाक में बोला कि अगर इस शहर में टिक गया तो 4 घर तो कम से कम खरीदूंगा, क्योंकि 4 रात रहे। तो मेरा दोस्त मजाक में कहता अच्छा है यार तुम तो महीने भर रेलवे स्टेशन पर नहीं रहे, नहीं तो क्या 30-35 घर खरीदते। बट एक छत होना जरूरी है, जहाँ कोई ये नहीं कहे कि यार एग्रीमेंट पूरा हो गया, अब 2 साल हो गए इस घर में रहते हुए, अब आप बदल दो कहीं और देखो। ये तो बहुत लोगों के साथ दिक्कत है। तो ये है, इच्छा तो होना बहुत जरूरी है। जिस शहर में आए आप तब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब एक बैग। और मैंने पहला वो जो कहते ना गादी खरीदते हुआ, मेरा एक दोस्त आ रहा था लखनऊ से, तो शर्म के मारे कि यार वो क्या सोचेगा, मैंने पहली बार 300 रुपये का वो खरीदा था गद्दा, यार उसको तो लेटने को हो। मेरा एक सूटकेस था, तकिया की जगह मैं सूटकेस लगाता था सर पे, और एक दरी थी हमारी, मैं वाशी में रहता। ये कितने टाइम तक? पीजी में हम 2 दोस्त जब आए थे तो 1200-1300 रुपए एक उसके देते थे सिंगल, वो जो मेकअप रूम में जो बिछे होते हैं। 1-1.5 साल आप ऐसे रहे हो? हाँ आराम से, जब तक काम नहीं मिला तो सवाल ही नहीं। जिद थी घर से नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि, दो तरीके के लोग होते, एक तो होता उनकी हैसियत ही नहीं है तो बेचारे, हमारे यहाँ पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर भर जॉब में, मैंने कभी जिद में, क्योंकि वो ये कहते थे ना डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो 1,00,000 रुपए दे देंगे, इसमें तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैंने जो नुक्कड़ नाटक से लखनऊ में जो वो 75 रुपए में हम एक दिन में 5-5 शोज करते थे, 1,000 शोज मैंने नुक्कड़ नाटक की किए, जो वो दरी बिछा के आप डमरू जबूर मदारी दिखाते हो तो उसमें 100-125 रुपए मिलता था, वो जो जोड़ जोड़ के हम लोग थिएटर करते करते। तो उन सेविंग से आपने वो टाइम 1-1.5 साल निकाला, उसी के लिए आए हम लोगों ने। जो मैंने पैसा एक्टिंग, जो लोग बोलते ना यहाँ के ये कोर्स कर लो हम फिल्म दिला देंगे 1.5-2 लाख, 700 रुपए NSD की वर्कशॉप में एक ही बार दिए हैं बस, वो फीस थी, उसमें सिलेक्शन हुआ, उसके बाद इतनी अच्छी दिशा, इतना अच्छा गाइडेंस मिला कि कभी पीछे मुड़ के देखने। सही थिएटर क्या होता है वो मैंने NSD वर्कशॉप करने के बाद जाना, वो लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुई NSD की, तो हम लोगों ने ट्राई किया, मैं जानता भी नहीं था, हमने तो वैसे किया माइक लगाया और स्कूल में करते हैं, तो उसमें कुछ तजुर्बा, कुछ भी नहीं पता था मुझे थिएटर। देखा मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।